राधे राधे सभी प्रेमियों को, आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाने आया हूँ। हाँ जी, ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाने आया हूँ जहाँ पर वैज्ञानिक और डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। हाँ जी, वैज्ञानिक और डॉक्टर भी यहाँ पर फेल हो गए हैं। यहाँ पर बस स्नान करने मात्र से ही कैसा भी रोग हो, चरम रोग कैसा भी हो, वो दूर हो जाता है। हाँ जी, स्नान करने मात्र से ही सारे चरम रोग ठीक हो जाते हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के यहाँ पर चरम रोग ठीक हो जाते हैं। हाँ जी, चरम रोग ठीक हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बस स्नान करने मात्र से ही सारे चरम रोग ठीक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं बालक, यहाँ पर बच्चे स्नान कर, जिसके भी फोड़ा, फुंसी, दाद, सफ़ेद, जिसके डॉक्टर पे भी ठीक नहीं होता, यहाँ कर बस स्नान करने मात्र से ही ठीक हो जाते हैं। हाँ जी, स्नान करने मात्र से ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर स्वामी बाबा का ऐसा चमत्कार है। हाँ जी, साक्षात चमत्कार, आप लाइव दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रज लगाते हैं लोग, बस अपनी रज लगाने से ही, एक बार में ही रज लगाने से बिल्कुल जो भी रोग हो वो ठीक हो जाता है, चरम से प्रेरित। हाँ जी, जो भी चरम से प्रेरित रोग हो वो ठीक हो जाते हैं। मैं आपको उस जगह के भी दर्शन कराऊंगा जहाँ पर बाबा ने तपस्या की है। यहाँ पर लाइव चमत्कार है, कैसा भी रोग हो चरम से प्रेरित वो ठीक हो जाता है। हाँ जी, वो ठीक हो जाता है। मैं आपको बाबा के ही समाधि के स्थल के दर्शन कराऊंगा जहाँ पर बाबा ने तपस्या की है। हाँ जी, बाबा ने तपस्या की। मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ। राधे राधे लिखते जाएं, जय श्री कृष्ण लिखते जाएं। ये ब्रज क्षेत्र में पड़ता है, तरौली नाम से जगह है, मथुरा से 25 किलोमीटर दूरी पर यह गाँव पड़ता है। हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर रज लगाते हैं लोग, अपनी और रज लगाने मात्र से ही सारे चरम रोग ठीक हो जाते हैं। हाँ जी, सारे चरम रोग ठीक हो जाते हैं। मैं आपको अंदर भी ले जा रहा हूँ, दर्शन कराऊंगा। राधे राधे लिखते जाए, यहाँ पर लाइव चमत्कार होता है। हाँ जी, लाइव चमत्कार होता है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं, वैज्ञानिक भी फेल हो चुके हैं। बस रज लगाने मात्र से ही सारे रोग ठीक हो जाते हैं, जो भी चरम से प्रेरित होते हैं। सफ़ेद दाद हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, हजारों रुपये, लाखों रुपये खर्च कर देते हैं लोग, पर ठीक नहीं होता। मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ के बाबा जी के भी दर्शन कराऊंगा। हाँ जी, बाबा के भी दर्शन कराऊंगा जहाँ पर बाबा ने तपस्या की। मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ और यहाँ के लोगों से भी बात मैं आपकी कराऊंगा। सभी को राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें, क्योंकि यहाँ आकर अपने चरम रोग ठीक कर सकें। हाँ जी, यहाँ पर चरम रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर बाबा ने तपस्या की, वहाँ के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। अंदर जाके मैं आपको दर्शन कराऊंगा जहाँ पर बाबा ने तपस्या की है। यहाँ पर कोई सा भी रोग चरम से प्रेरित हो वो ठीक हो जाता है। मैं आके पंडित जी से बात कराऊंगा आपकी, कि यहाँ की विशेषता क्या है और क्या चमत्कार है यहाँ पर। पंडित जी, मैं आपसे 2 मिनट के लिए टाइम चाहूँगा कि यहाँ की चमत्कार बताएं, कि हमारे लोग, लाखों लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचती है, वो लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ की चमत्कार क्या है, कैसे कैसे यहाँ पर ये चरम रोग ठीक होता है। आप बोलो, बोलिए। भगवान स्वामी बाबा की कृपा, यहाँ तालाब में नहाने से ही ठीक हो जाते हैं। थोड़ी सेवा, बाबा की सेवा होती है, सेवा करने से बाबा के सब रोग दूर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के पंडित जी जो हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, भाई साहब करोड़ों लोगों के चर्म रोग ठीक हो गए हैं। हाँ जी, यहाँ पर करोड़ों लोगों के चर्म रोग ठीक हो गए। मैं यहाँ की सुंदरता आपको दिखा रहा हूँ, आपकी यहाँ की विशेषता मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते कितना सुंदर यहाँ पर बाबा का स्थान है, स्वामी बाबा नाम से यहाँ पर जाना जाता है। हाँ जी, यहाँ पर स्वामी बाबा ने तपस्या की है, अद्भुत तपस्या की, बहुत ही लाखों की तादाद में यहाँ पर मेला लगता है। हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों के चर्म रोग यहाँ पर ठीक हुए हैं। बस एक बार आने से, यहाँ पर एक बार स्नान करने मात्र से, यहाँ की रज लगाने से सारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। आपको मैं यहाँ के स्थान के भी दर्शन करा रहा हूँ। हाँ जी, मैं यहाँ के स्थान के भी दर्शन करा रहा हूँ और लोगों से आपकी बात कराऊंगा मैं आपकी, कि आपको विश्वास हो जाए। देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्नान होता है सोमवार के दिन। एक बार आइए, जहाँ पर डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, सफ़ेद दाद होते हैं, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, फुंसी होती है, फोड़ा होते हैं, वो भी लोग ठीक नहीं कर पाते। मैं आपकी यहाँ के लोगों से बात कराऊंगा कि यहाँ के चरम रोग की यहाँ की विशेषता क्या है और यहाँ पर क्या है। मैं आपको बात करा देता हूँ भैया से, यहाँ पर भैया यहाँ की विशेषता क्या है, हमारे दर्शक को बताइए कि यहाँ पर चरम रोग कैसे ठीक हो जाता है। विशेषता ये है कि ये गांव तरौली है, तो यहाँ पे भोले बाबा के पुत्र थे कार्तिकेय स्वामी, तो उन्होंने यहाँ पे ताड़कासुर का वध किया था, उस माध्यम से इस गांव का नाम रखा था तरौली। तो यहाँ पे स्वामी बाबा की एक ही महिमा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाहर से यात्री आते हैं उनका चरम रोग कैसा भी हो वो चरम रोग ठीक हो जाता है। तो इसमें नहाने से, और इसमें एक रज होती है अंदर, वो मिट्टी बोलते हैं, तो मिट्टी लगाते ही उसमें उसके रोग में आराम मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों ने बताया, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के यहाँ के दांत ठीक हो चुके हैं, फुंसी ठीक हो चुकी है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ की महिमा को जान सकें और यहाँ के
दर्शन कर सकें और यहाँ पर स्नान कर सकें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतना अद्भुत चमत्कार है, मेरा खुद यहाँ पर चर्म रोग ठीक हुआ है। हाँ जी, यहाँ के लोग बाग भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता यहाँ पर फैली हुई है। यहाँ पर बाबा का चमत्कार है, यहाँ पर लाइव चमत्कार होता है। एक बार आइए और डुबकी लगाइए और अपने सारे चर्म रोग, जो भी कैसा भी चर्म रोग हो, वो ठीक हो जाता है। सभी से निवेदन करूँगा कि अगर आपने वीडियो देख लिया है तो लोगों तक ज़रूर फैला दें इस वीडियो को। अब मैं यहाँ के एक भैया से बात कराता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भैया खड़े हुए हैं। यहाँ पर इनके थोड़ा चर्म रोग था, फोड़े फुंसे थी। मैं आप भैया से बताऊँ, भैया आपके चर्म रोग यहाँ पर ठीक हुआ है कि नहीं? भैया मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा चर्म रोग था और मेरा एक बार स्नान करने से ही सही हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों से मैं आपसे बात कराऊंगा, आप बताइए कि आपके चर्म रोग ठीक हुआ है कि नहीं? भाई इससे ज्यादा सही होता है, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ के लोगों से भी बात कराई है ताकि आपको विश्वास हो जाए, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आपके रोग ठीक होता है कि नहीं। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ के बारे में जान सकें। और एक और निवेदन करूंगा, इस पेज को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि इस पेज के द्वारा ऐसे चमत्कारी राज्य में जितने भी चमत्कार मंदिर हैं, जो संत दर्शन है, उनके यहाँ पर दर्शन कराए जाते हैं। और यहाँ पर जो चमत्कार है उसको नमस्कार है, लाइव दर्शन यहाँ पर होता है, लाइव चमत्कार यहाँ पर होता है। हाँ जी, लाइव चमत्कार यहाँ पर होता है। सभी से निवेदन करूंगा कि इस पेज को फॉलो कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त यहाँ के बारे में जान सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।